रांची के होटल रेडिशन ब्लू में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 82वीं त्रैमासिक बैठक में राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव मुख्य अतिथि के तौर पर अपने संबोधन में कहा है कि राज्य में 96 लाख लोगों को बैंक से लोन मिले और इस कार्यक्रम में बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक कार्तिकेय भी शामिल थे और इस बैठक में सभी राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ साथ कई प्राइवेट बैंक के लोग भी शामिल हुए थे। बैठक समाप्त होने के बाद बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक और झारखंड के वित्त मंत्री ने प्रेस वार्ता की और महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। देखिए, आप लोग भी पूछते रहते हैं, कहते रहते हैं, झारखंड के बैंक जो हैं डिपॉजिट लेते हैं लेकिन क्रेडिट उतना नहीं देते, सीडी रेशियो कम रहता है और राज्यों की तुलना में। लेकिन इस बार जो यहाँ विमर्श हुआ उस दरमियान मैंने पाया कि सीडी रेशियो पहले से बढ़ा हुआ है। दिसंबर तक का 44.4 और मार्च तक बढ़कर के 49-50% होने की संभावना है, जो बहुत अच्छा कहेंगे। आज का एक बैठक 82nd SLBC का बैठक था, वित्त मंत्री श्री रामेश्वर जी के नेतृत्व में हुआ था ये, और इसमें से जैसे साहब ने बोले गए कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के बारे में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि 1 लाख करोड़ का डिसबर्समेंट ये स्टेट में हुआ है, हो चुका है। हमारा मकसद नबार्ड के नेतृत्व में और RBI का नेतृत्व में इसको 1.25 लाख को लेके जाना हमारा मकसद है। हम सब बैंकों से ये रिक्वेस्ट किया कि सारे बैंक जैसा हमारा MSME में देखिए तो एनुअल क्रेडिट प्लान MSME हमें 121% का अचीवमेंट 9 महीने में हो गया। देखिए, आप लोग भी पूछते रहते हैं, कहते रहते हैं, झारखंड के बैंक जो हैं डिपॉजिट लेते हैं लेकिन क्रेडिट उतना नहीं देते, सीडी रेशियो कम रहता है और राज्यों की